नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मानसून को लेकर। बिहार में कमजोर पड़े मानसून में एक बार फिर से सक्रियता देखने को मिल रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में लगभग जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे हैं जहां पर हल्की से मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि राजधानी पटना में तेज हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आसमान में बादल एक जगह ठहर नहीं पा रहे हैं। यही वो कारण है कि प्रदेश में मानसून इतनी जल्दी सक्रिय नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग ने अरवल, जहानाबाद, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और भोजपुर जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले कहा था कि बिहार में मानसून कमजोर होने वाला है, लेकिन अब एक बार फिर से मानसून की गतिविधियां देखी जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, साथ ही साथ राजधानी पटना में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। विभाग ने पहले कहा था कि 28 जुलाई के बाद से मानसून एक्टिव होगा, लेकिन अब जो स्थिति है उसके अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के आसमान में बादल छाए हुए हैं। इधर IMD की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि एक टर्फ लाइन रेखा इस महीने अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गई है। इस कारण ऐसे में बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों में कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन अब मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पूर्णिया मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, जिसका असर सीमांचल में देखने को मिल रहा है। बता दें कि सीमांचल के इलाके में पिछले 24 घंटे में बायसी और डंगराहा घाट पर 125.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी टर्फ लाइन रेखा को लेकर मौसम विभाग ने कहा था कि झारखंड और आसपास के इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है, जिसका असर सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कई ऐसे जिलों में हैं जहां के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान में कमी देखने को मिली है। प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहाँ आम लोगों को तेज़ गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार में इन दिनों धान रोपनी का समय है और बारिश के आस में किसान लगाए हुए हैं। इस दौरान गन्ना और धान की वो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब किसान बस आसमान की तरफ देख रहे हैं, जिसने जितनी जल्दी बारिश हो उतनी ही जल्दी धान की रोपाई की जा सके। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने की बात कह दी है, जिसके बाद से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी राहत की सांस मिली है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 28 जुलाई के बाद से मानसून बिहार में एक्टिव हो सकता है, लेकिन मानसून जो है अभी यानी कि 25 जुलाई से ही एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जिलों के आसमान में बादल छाए हुए हैं। और पूर्णिया मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।